आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सराय काले खान में, और आज मैं आपको इस देश के सबसे पहले बनाए जाने वाले RRTS परियोजना का काम दिखाने वाला हूं, और दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से RRTS का जो सबसे खास स्टेशन है वो बनाया जा रहा है इस जगह पर सराय काले खान में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो ये जगह है सराय काले खान, और इस जगह पर RRTS का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बनाया जा रहा है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको RRTS का ये जो स्टेशन है जिसे कि कहते हैं सराय काले खान, इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो दिखाता हूँ। अदरवाइज जितना भी मैं अपडेट देता हूँ दिल्ली मेरठ RRTS का, तो उसका पूरा जो पैकेज है उस पूरे पैकेज का देता हूँ। राइट, दो पैकेज में इसको डिवाइड किया गया है। दिल्ली से मेरठ तक ये जाएगा, और इसका जो ट्रेन है वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसको आप ये मत समझना कि ये मेट्रो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो समझते हैं कि यार ये मेट्रो है। तो नहीं दोस्तों, ये मेट्रो नहीं है भाई, ये है एक नई पूरी तरीके से फ्रेश परियोजना जिसे कि RRTS कहते हैं। मेट्रो का काम ये होता है कि सिटी के अंदर आपको अगर ट्रेवल करना है तो आप मेट्रो की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, और इसी वजह से मेट्रो को डिजाइन भी किया गया है। लेकिन जब आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो वहां पर रोल प्ले करने वाला है RRTS, और इस देश में सबसे पहला जो RRTS बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS, यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच। 82 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है। दिल्ली के जंगपुरा से ये स्टार्ट हो रहा है, जाएगा मेरठ तक। इसको दो फेज में डिवाइड किया गया है। इसी साल तक इसका जो फेज वन है, पैकेज वन है, वो बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 17 किलोमीटर का पार्ट है, और उस पे आपको ट्रायल रन करता हुआ इसका जो ट्रेन है वो भी देखने को मिलेगा। आपके भाई ने इसका सबसे पहला जो ट्रेन है पहली बार आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से और कैसा वो दिखता है, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रायल रन होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस जगह पे नहीं होगा, सराय काले खां में नहीं होगा। सराय काले खां ये जो जगह है यहां पर स्टार्ट होगा सर्विस 2025 में। इनफैक्ट ये जो पूरा दिल्ली मेरठ RRTS है ये 2025 के लिए ही तैयार किया जा रहा, मतलब 2025 में पूरा आप इसकी सर्विस को यूज कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मुझे लगता है कि 2024 तक ये तैयार हो जाएगा जी, क्योंकि अभी हम हैं 2022 में, और 2022 में ही अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये जो स्टेशन बनाया जाना है सराय काले खां में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो काम है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब इसका जो स्टेशन है, इसका जो ढांचा है, वो भी अब आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये दिखने वाला है। जो ये ट्रेन है दोस्तों, इसकी जो स्पीड रहने वाली है वो है मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटे का, और दिल्ली से मेरठ तक का सफर आप मात्र 60 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके जो शुरुआती ट्रेन चलाए जाएंगे उसमें 6 डब्बे होंगे। पहला जो डिब्बा होगा, जो फर्स्ट कोच होगा, वो प्रीमियम कोच होगा। जो पूरा ट्रेन है ये बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। इसमें मोस्टली जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक ही है, चाहे वो प्लेटफॉर्म डोर से लेकर ट्रेन का डोर हो, या फिर अगर आपको कहूं तो एक ऐसा ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें पहली बार आपको वाईफाई से लेकर मोबाइल चार्जिंग से लेकर इसमें व्हील चेयर रखने तक की फैसिलिटी दी गई है, और साथ ही साथ इसमें स्ट्रेचर रखने तक की भी फैसिलिटी दी गई है। तो इसको बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से बनाया जा रहा है। इसका जो स्टेशन भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही मॉडर्नाइज है। यहां पर आपको फूड कोर्ट से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर आपको इसके स्टेशन के नीचे पार्क भी मिलेगा, वेटिंग एरिया भी मिलेगा, तो पूरी तरीके से एडवांस है ये। और हाँ, जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हो ना एक प्रीमियम लॉन्ज होता है ना, वैसे यहां पर भी एक एरिया होगा, उसकी फैसिलिटी भी आप यहां पर अवेल कर सकते हो। NCRTC जो इस RRTS परियोजना को बना रही है, उनका मकसद यह है कि हर तरीके के लोगों को इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करने के लिए मजबूर किया जाए। अब मजबूर किया जाए इन द गुड सेंस, उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो मजबूर हो जाए इसके ऊपर ट्रेवल करने में। क्योंकि देखो, कार से अगर आप ट्रेवल करते हो बहुत सारा आपका ट्रेवल टाइम लगता है, आपको ड्राइव भी करना पड़ता है, लेकिन वही RRTS की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, आराम से AC में बैठ के जाओगे और तय वक्त में पहुंच जाओगे किसी भी जगह पे। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग होने वाला है आने वाले भविष्य में, इनफैक्ट आज भी अगर आपको कहूं तो सबसे ज़्यादा मारामारी टाइम का है भाई, क्योंकि हर किसी को टाइम पे हर जगह पर पहुंचना है। राइट, तो यही करने वाला है, ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करने वाला है।
और खासकर बहुत सारी फैसिलिटी भी देने वाला है, हाँ, एनसीईआरटीसी और उनकी टीम। इस तरफ अगर आप देखेंगे स्टेशन के पास, तो यहाँ पर पूरा जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी तरफ ही आगे होकर जाने वाला है डीएनडी के पैलन में होते हुए, और इस तरफ भी देखोगे तो पिलर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर को भी इसे क्रॉस करना है, और इसी वजह से यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर का काम अभी किया जा रहा है, और ये बारापुला फ्लाईओवर है जिसको कि ये क्रॉस करेगा इस वक्त पे। मैं आपको क्यों इस जगह का आपको सेपरेट वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है सराय काले खान, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बेशक आज नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं इसको न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है ना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, उसके बाद आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा। मेट्रो के 3 एंट्री पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, गेट नंबर 1, 2 और 3 के जरिए आप मेट्रो पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो कि एक्टिव है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर चलता है अभी, ये पैसेंजर अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसी जगह पर ठीक यहाँ पर ISBT भी है, यानी कि बस अड्डा, वो ये रहा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये जो देख रहे हैं आप। और इस तरफ राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, यानी कि यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। तो इसीलिए मैं सराय काले खां का जो RRTS का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका मैं वीडियो आपको सेपरेट दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है इस जगह पर। और ये जगह जो आपको आज दिख रहा है, आने वाले 10-20 साल बाद आप इसको शायद पहचान नहीं पाओगे। और जो क्राउड इस वक्त पे अगर आपको देखने को मिलता है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, या जो क्राउड आपको देखने को मिलता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उससे तकरीबन बहुत ज़्यादा, मतलब शायद मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसेंजर मिलने वाले हैं, या लोगों का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इस जगह को डेवलप करने में, इस जगह को आगे बढ़ने में योगदान देने वाला है। चाहे वो आप बस अड्डे की बात कर लो, या फिर मेट्रो स्टेशन की बात कर लो, या फिर आप रेलवे स्टेशन की बात कर लो, या फिर दिल्ली मेरठ RRTS कर लो, या फिर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर लो, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर लो, तो इस पॉइंट पर वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चाहिए होता है। बस से भी आप आ सकते हो, मेट्रो से भी यहाँ आ सकते हो, रेल से भी आप आ सकते हो, RRTS से भी आ सकते हो, उसके बाद एक्सप्रेसवे तो आपके पास है ही, और वो भी एक नहीं, दो एक्सप्रेसवे हैं इस जगह पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। तो इसी वजह से इस जगह का मैं आपको सेपरेट वीडियो दिखाता हूँ, और ये जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस देश की डेवलपमेंट में। अपनी काम कर रही है दोस्तों, वो है एफकॉन, और इस तरफ अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर यमुना नदी है, उसको भी इसे क्रॉस करना है, और उसके ऊपर भी पिलर बनाने का जो काम है वो इस वक्त पे किया जा रहा है। इस तरफ है सराय काले खां जहाँ से ये आ रहा है, और इस तरफ ही आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो पिलर है इनको कनेक्ट करने का काम भी किया जा रहा है, और एफकॉन कंपनी की जो टीम है वो यहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का काम इस लॉन्चर के माध्यम से कर रही है। आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा यमुना नदी, जिस यमुना नदी को इसे क्रॉस करना है, और उस जगह पर भी पिलर बनाने का जो काम है वो इस वक्त पे किया जा रहा है। ये वाला हिस्सा है जो कि नदी को क्रॉस करने के बाद इस तरफ जा रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ,
और यहाँ पर ये जो डीएनडी रोड है इसको भी ये क्रॉस करेगा। इस जगह पर पिलर तो बन चुका है, इस पिलर को कनेक्ट करना है और इसी वजह से आपको लॉन्चर भी यहाँ पर दिखेगा। हाँ, यहाँ पर लॉन्चर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है नदी को क्रॉस करने के ठीक बाद। ये देखिए, वैसे यमुना नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाना है उसका काम मैंने आपको पहली बार दिखाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर बार आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से द यमुना रिवर के ऊपर इसका काम किया जा रहा है। बिल्कुल, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।